शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं तो तंग आ गई इनसे, काम धंधा कर देने, ऊपर से रात को घर लेट आते हैं, ना खुद सोते हैं ना हुए ना मैनू सोने देंदे। पहले तीन थे, अब चार चार लफंगे हो गए इस काटते। ओहो, हुन कौन आया? आपका पिज़्ज़ा मैम। हेलो, थैंक यू। दो महीने से किराया नहीं भरा, जब मांगो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, आज मैं इनका हिसाब करके रहूंगी। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा तो खुला ही है। नाटक, मेरा पिज्जा कहाँ है? आंटी ये पिज्जा क्या होता है? कौन पिज्जा, कैसा पिज्जा? मैं किसी पिज्जा वाले को नहीं जानता, तू जानता है क्या? झटपट सब समझ में आ जाएगा तुझे। आंटी चुआ कहाँ है? चुआ है तेरे तो। हे पारसी बाबा, बता मेरा पिज्जा कहाँ है? हो बाप रे, कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ है? कॉकरोच भाग गया, थैंक गॉड। रॉय, मेरा पिज्जा कहाँ है? हमें नहीं पता आंटी, आपकी सगी कसम। मत खा मेरी झूठी कसम। अरे हंसता है तू? बेशरम, खोते दलाए, तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। मुंह पीछे क्या छुपा है? कुछ नहीं आंटी। हाथ सामने ला। ऑफ कोर्स। आपका पिज्जा। पापा! अच्छा पापा, एक तो तुम लोग भाड़ा नहीं देते, ऊपर से चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, अब ये बताओ कि मेरे दो महीने का किराया देगा कौन, और जो पैसे देगा वो आगे आए। मानव, तू देगा मेरा पैसा? पैसा? मैं कहाँ से दूंगा पैसा? तो आगे क्यों आया? मैं कहाँ? आदि मानव, मेरे पैसे कौन देगा? मैं दूंगा आपके पैसे, मैं दूंगा आपके पैसे। रॉय, वो पैसे दे दे। पैसे? अरे वही पैसे यार, जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखे थे। हाँ, लेकिन आदित, उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए कम है, अगर उसमें से आंटी को पैसे दे देंगे तो फिर मैं मर जाएगी। मर जाने दे उसे, मर जाने दे, उसकी किस्मत में यही लिखा है। भगवान, मेरी बहन तुम्हारे पास आ रही है और ये औरत आपके पास भेज रही है, संभाल लेना उसे। बस रोना बंद करो और मानो मेरे साथ चलो। रो मत बेटा, तेरे भैन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ आंटी। तू क्यों रो रहा? आदि ने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि हमारी एक बहन भी है और उसे कैंसर भी है। क्या? You liars, you cheats, इस घर में तभी घुसना जब जेब में किराया हो। अरे बेशर्मो, जाके काम धंधा ढूंढो। खाना कहाँ है? उधर है। रिश्तेदार आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना? दे, 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 दे,
जी कहिए, मैं ही ड्यूरी का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। देखो कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहां भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे। थैंक यू। ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए। वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है और क्या? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? ओ, 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 घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, सही बात, चला गया। हम चलते चलते नमस्ते नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा। मिस्टर अग्रवाल का मर्डर संडे रात 9 बजे हुआ, लेकिन वो शाम को 6 बजे ही घर से बाहर निकल चुके थे। क्या आप बता सकते हैं वो घर से बाहर किस काम से निकले थे? एक्सक्यूज मी, हम लोग अग्रवाल साहब से मिलना चाहते हैं। काम क्या है? वो फोन पर कह रहे थे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही दे सकता हूँ। अच्छा, तो 50,000 उन्होंने तुम्हें दिए थे? एडवांस? एडवांस कोई शक है क्या? मुझे याद आ गया, पापा ने फोन पर एक मुहावरा बोला था। वो फोन पर कह रहे थे कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आई थिंक कोई मिस्टर अग्रवाल को ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है घोड़ा और घास उनका कोड वर्ड हो। साहिबाना साहब, काफी अच्छी जान पहचान लगती है आप लोगों की अग्रवाल साहब से। हैं? हाँ, अपना काम ही कुछ ऐसा है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखनी पड़ती है। समझो बेटा, जा। एक्सक्यूज मी मिस्टर समीर, और जरा जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। वेले है क्या हम लोग? जल्दी करना है यार। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, चले जाना, जरा हम भी तो देखें वो पेंटिंग। क्यों, तुम हो कौन? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच। ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। चलो चलो पेंटिंग दिखाओ, जल्दी जल्दी करना। उल्टा है, घोड़ा लेटा हुआ था। घोड़ा और घास, गिरफ्तार कर लो सबको, जल्दी। आज के बाद मैं किसी के चौथे पे नहीं जाऊंगा। अबे नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद सब लोग हमारे चौथे पे आएंगे। पीटर, पहचाना? कुलकर्णी साहब का फेवरेट रोड है ये। हाँ, लास्ट टाइम टीटू टार्जन का एनकाउंटर भी इधर ही किया था ना। देखा ना, मैं हाथ में पिस्तौल, शर्ट के बटन खुले हुए, और जैसे ही वैन रुका और टीटू टार्जन को उतारा ना, वो समझ गया था कि आज उसका गेम बजने वाला है। सही करते हैं साहब, उठाया और बस एनकाउंटर। तेरे को पता है कुलकर्णी साहब का कितना स्कोर हो गया? क्या स्कोर हो गया? हाफ सेंचुरी में 4 कम है। क्या बात कर रहे हैं? 47, 48, 49, 50. नहीं, मैं बनना नहीं चाहता, मैं बनना नहीं चाहता। मनु मरवानी नहीं पापा। यस सर, यस सर। क्या अग्रवाल के मर्डर का पता चल गया? जी सर, लेकिन सर इन चारों का? जी सर, राइट अवे सर। ये गाड़ी, ये यहाँ आज हाफ सेंचुरी कंप्लीट। देशमुख, खोल दो इन्हें। यस सर। नहीं, इट्स ओके, छोड़ो। चलो जल्दी जल्दी, चलो नीचे उतरो। चलो नीचे उतरो। नहीं सर, प्लीज सर, हमने हमने कुछ नहीं किया सर। बताया मुझे
प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अबे छोड़ने की बात मत कर सर, प्लीज हमें पकड़ के रखिए सर, सर हमें उम्र कैद की सजा दे दीजिए सर। निकालो इनको बाहर सबको। चलो तुम सब आजाद हो। थैंक यू सर। सर आप पीछे से गोली मार दोगे ना सर? सामने से नहीं मार सकता क्या? हाँ प्लीज सर, सर छोड़ दीजिए। बच गए यार, बच गए। तुम दोनों गाड़ी के पास हम लोग चाबी लेके आते हैं, ठीक है? ओके। अबे तू उतर के जा यार, तू मेरे साथ चल रहे चाबी, गाड़ी की चाबी। मानव स्क्रू ड्राइवर पकड़। अब क्या करेंगे? सिंपल, गाड़ी जम करानी पड़ेगी। जम जम कराएंगे। I'm serious. Shut up! तू पागल हो गया? चल वापस हाईवे चलते। Come on everyone now. Come on. वापस जाएंगे तो वो इंस्पेक्टर और तेरा बाप मिलेगा, और गाड़ी पार करा ली तो मॉल मिलेगा, मॉल। लेकिन लेकिन ये डोंट वरी ड्यूड, मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। कैसे? देख ये टूटा हुआ पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 9 फुट का होगा, राइट? राइट। अगर हम लोग 81 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, राइट, 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ। यू आर राइट। मैं भी डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। पीस ऑफ केक। ये रही गाड़ी, ये रहा स्पीड और ये रहा एंगल। अब डिस्टेंस है 20 फीट, स्पीड होगी 120 किलोमीटर। परफेक्ट, गुड। तुम दोनों पागल हो चुके हो, फालतू की बातें कर रहे हो। गाड़ी उस पर नहीं जा सकती है, मैं बोल रहा हूं तो शट अप। ट्रस्ट अस। लेकिन ओके, चिल बॉय।
Adi, you are so smart. Thank you. Thank you. Ah. Oh wow! क्या jump था यार? Calculation सही था. Thanks man. तेरी तो ठोक गई. बबन मेरे भाई. अरे सुन यार. अरे लेकिन हमारी बात तो. अरे इतना क्या भड़का? कमीना, तुम दोनों की वजह से गाड़ी टूट गई. ये मेरे पाप की गाड़ी है, तेरे पाप की नहीं. पापा मुझे जान से मार देगा. बस कर यार. हम लोग तो वो 6,000 दे रहे थे ना, उसमें 5,000 और ऐड कर ले. सर मड़गाड़ी गया ना, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को इतना. जैसे तेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई हो. पापा अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? तेरी गाड़ी आधी तो मर चुकी थी, आज उसका अंतिम संस्कार भी हो गया. तुम मरी है. कौन तुम्हारी यार? गाड़ी देख के तो पापा भी मर जाएगा, है ना? Promise. I swear. ए आदि. हाँ. रोड कब आएगा यार? रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है. ओ शिट. आ गया. क्या रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया. भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है. आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था. तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है. वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम वहां से भाग गए थे. मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना. हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था. शट अप. अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. ऊपर जाके आराम से सोच लेना. देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए. देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग. हम घर चले जाएंगे, जानू चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर. हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ. शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वही ट्राइड आदि, वही ट्राइड. थैंक यू, थैंक यू. इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी. या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ. मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा. हर पाप का एक पाप होता है. हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं. तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ? अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं. इंस्पेक्टर, चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं. इसमें गोली है. मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है. मर जाएगा. हाँ, मुझे पता है ना. आई नो इसमें गोली है. यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्केयर्ड? इट्स ओके. ओह, बच गए. ही सेव्ड. अब मेरी बारी है. करेक्ट. यस. गोली रॉय, भाई रुक जाओ. ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में. राइट राइट. अबे मरेगा. हादी, ही इज नॉट सो स्मार्ट. यस.
जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर आदि। इंस्पेक्टर रॉय। कहिए पाशा कहाँ है? पाशा? हाँ वो आदमी जो उस गाड़ी में आया था। इस जीप में आया था? हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। उसने पहले हम पर जानलेवा हमला किया और फिर हमारी जिप्सी लेकर भाग गया। क्या कह रहे हो? जानलेवा हमला किया और फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? क्या? और उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? 15 लाख? 15 लाख? संभाल के। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। और जो भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे सरकार से 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख? 15 लाख मुझे मिलेंगे। मैं पकड़ूंगा उसे। ओ, तो तुम लोग जिंदा बच गए? हम लोग तो बच गए पाशा, लेकिन कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते पाशा। पाशा? पाशा कौन? तुम पाशा। मैं पाशा? बोले ना, मैं पाशा। हाँ पाशा। योर गेम इज ओवर पाशा। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? आई एम इंस्पेक्टर कबीर। पाशा भाई, पाशा भाई, दुबई से कब आए? मैं पाशा नहीं हूँ। ओके। अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, इंस्पेक्टर आदि आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। आई लव इंस्पेक्टर आदि, आई लव इंस्पेक्टर रॉय भी है। भागो भागो। पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो पाशा को। 15 लाख। इंस्पेक्टर तुम्हारा मोबाइल। भाई भाई रुक जाओ, वरना वरना क्या? वरना क्या कह रहा है? सेंड बटन दब जाएगा और 10 करोड़ की सारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर चतुर्वेदी के पास पहुंच जाएगी। हाँ कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है। हाँ। सिर्फ दबाने की जरूरत है। बटन। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। मेरे उंगलियों की रफ्तार तुम्हारे पैरों की रफ्तार से ज्यादा तेज है। वही रुक जाओ इंस्पेक्टर, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। समझ गया, यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज। लिफ्ट अरे रुका। नमस्कार बंधु। नमस्कार। तो आप प्लीज हमको गोवा छोड़ देंगे? गोवा? गोवा तो अभी तो गाड़ी रोकी है। थैंक यू। धुके पड़ो। गोवा में धुके पड़ो। बाहर वहां से बंधु। बढ़िया अंदर बैठ। घुस। आपका तो दरवाजा हाथ में आ गया। कोई बात नहीं, पकड़ के बैठ जाओ। क्या? दरवाजा गाड़ी चलती है ना। थैंक यू। हाँ
Let's go! चिंता मत करो, अभी स्टार्ट हो जाएगा। आज ही स्टार्टर का काम कर रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। बुझते पार्ची ना की होलो रे। की होलो नहीं, वो की होल, वो। अबे तू हमलोग को लिफ्ट देने के लिए बनाया, टॉर्चर करने के लिए। उड़ी बाबा, तेरी उड़ी बाबा के बच्चे क्यों इस मुर्दे में उंगली कर रहा है? आई चार पाइयों में नहीं, चार कदमों में जाने के लायक। थप्पड़ मारो पकड़ के। उड़ी बाबा, अरे क्या उड़ी बाबा, उड़ी बाबा हैं, चलती तो है नहीं। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, चल मारो, निकल मारो। हाँ, ये गाड़ी को बेच कर थोड़े पैसे डालकर सेकंड हैंड रोलर स्केट ले लो, वो धूम में जो रीति लगाने चलाए थे। कम से कम चलेगा तो सही, खदार गाड़ी लेके घूमता है साले घटिया आदमी, ऊपर से लोगों को बुरा बुला के परेशान करता है। बाहर में गया, मुझे नहीं जाना देता तू। दादा गोल गोल। ए मचान चोल, तू तो खाली हमारी हमारी मां झोल नहीं करती थी। अरे मार उसे, मार, गोली नहीं दिया, पोछी गोली बोला। चल मस्ती करी तू, तेरा बाप पछी कर। मस्ती करी की औलाद, ठुकेगी तेरी गाड़ी। हाँ, पछी गड़ी खा के तुझे जुल्लाब लगेंगे। चल इधर, और गाड़ी देख। अरे मैं हमको गोवा जाना है, कोई फ्लाइट है? यू आर लेट सर, गोवा की आखिरी फ्लाइट 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। अरे ओके ओके, दूसरी कोई फ्लाइट होगी? कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर। अरे कोई प्राइवेट प्लेन? नो सर, कोई नहीं। अरे बाबा, पापा जी। हाँ? जो आप क्या बोल रही है, प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। लेटा हुआ है? किसके साथ, कहाँ लेटा है? सर हेलो, हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, इसे उठाइए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे छे भाई। एक अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्रैश 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 नहीं, क्रैक होगा। देखो आप लोग कौन है यार? बम्मन नारी सर, हमें गोवा लेकर चलिए प्लीज। सॉरी, आज मेरा हाफ डे। हमें गोवा ले तो चलिए, हम आपके हाफ डे को फुल डे कर देंगे। अरे नहीं नहीं, नहीं बस सर, मना मत कीजिए सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में, गोवा के हॉस्पिटल में। चलिए ना सर, आपको आपकी माँ का वास्ता। माँ, माँ, जो माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ के चली गई उसका वास्ता देते हो, तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रखो। माँ का नहीं, माँ का नहीं, मामा का वास्ता दिया था। मामा का वास्ता? I'll kill you। मेरा मामा कंस और शकुनी का भी बाप था, खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं दिया कमीने ने, और ऐसे एक मामा का वास्ता दे रहे साले। बाप का वास्ता दिया, बाप का वास्ता दिया। बाप का वास्ता मत देना, बाप का वास्ता मत देना, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना, तो I will chop his legs। सर आपको आपके इसका वास्ता दे सकते हैं? अरे यार ये क्या कह दिया तुम लोगों ने, क्या हुआ? अरे इसका वास्ता तो मुझे जंगल तक ले जा सकता है। बोलो दोस्तों, कहाँ जाना है? बाइक 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 तभी तभी
अरे क्या कर रहे हो आप? अरे चाय तो गिरी और क्या हो गया? वो बाइक वाला किधर? बाइक वाला किधर? बाथरूम में, बाथरूम में। आ जाओ बाथरूम में। धुम्म चाले। बाइक की चाबी निकाल। बाइक की चाबी निकाल। अबे ठीक है। अबे बे क्या कर रहा है? बाइक की चाबी दे ना। चाबी निकाल। बाइक की चाबी। चाबी दो यार। किधर? अबे मैं धुआं चाबी से मैं। अबे तेरी तो बंदर का नाच चल रहा है। चल मानव देव पटका दे। जाना यार। प्लीज चाबी दो यार। प्लीज। हम से वायलेंस मत कराओ यार। सॉरी भाई साहब, वो हमको पता नहीं था ना कि वो बाइक आपकी नहीं है। बाइक मेरी नहीं थी तो इतना मारा। अगर मेरी होती तो कितना मारता है। चल यार निकल निकल भाग यहां से। तू पूछ तो ले रहा यार बाइक उसकी है कि नहीं। तुम सुन तो लेते कि वो तू बहस कर रहा है मेरे साथ। तू बहस कर रहा है मेरे साथ। मुझे सिखाएगा तू? तेरे वजह से वो बाइक चली गई। पता है वो बाइक अगर होती ना फटाफट हम लोग गोवा पहुंचे होते। तेरे वजह से ना वो जैकेट वाले को हमने पीट दिया। शरीफ आदमी था वो। आदमी क्या? आदमी इधर देख, इधर देख। उल्लू का पट्टा लग रहा हूं मैं। वो आदमी है पैजामे कुर्ते में, बाइक पे बैठा निकल लिया। अरे हम लोग यहीं पे। आधी आधी बोल तो रहा था। आधी आधी बोल रहा था। गाड़ी गाड़ी नहीं बोल सकता था। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ है। यस अली निकाल निकाल। अपनी बंदूक के नीचे बैठ जाओ। ड्राइवर भाई गाड़ी रोक दो। बता रहे हैं बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। अरे मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। ए इंस्पेक्टर समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है पर बाबू भाई का हाथ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कर कर जो तुझे करना है करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले दो कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी और बस लूटने चला है। हाँ साले गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको मालूम है? मालूम है। ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सुस्ती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई चल भागने ना पाए। भागे ना कहाँ से ससुर का नाते। आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। चेंज करना है, चेंज कर। मरवाएगा क्या? चेंज कर, चेंज कर यार। नहीं नहीं
हिस्ट्री पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं? अरे वो लड़की इधर आ, इधर आ, अरे इधर बैठ सर, बैठ सर। अरे ये बमन कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा? शट अप। अरे पायलट साहब, अरे मिस्टर ड्राइवर, फिर से इमोशनल कर दिया ना तूने। उसको गाना चलाने की क्या जरूरत थी यार? अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया, ये सब तेरी वजह से हुआ। हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डी के मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, क्या स्लो छ यार। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है। बकवास बंद कर, और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है पर दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए, और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं। हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं।
उन्हें माफ करना। उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। ए, चुप। हम मरना नहीं चाहते। हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोको प्लीज 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 प्लीज। अयो साथे काका, एक्सक्यूज मी, हम गोवा तक छोड़ सकते हैं? गोवा गोवा। अयो आओ ना जी, आओ। क्यों ना, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाओ, थैंक यू। माय सेल्फ मानव श्रीवास्तव, ये आदित्य श्रीवास्तव। आदि आदि। एंड योर गुड नेम प्लीज। अय्यर। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर। முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீபரவர்தன அட்டபட்டு ஜெய சூர்யா லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ண சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயரா. मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं भी, पागल है। अयो अयो, हम छोड़ देते ना जी आपको। मुझे छोड़ सर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना लंबा नाम है तेरा? नहीं सर, नहीं सर, दिस इज ओनली माय पेट नेम सर। जूता निकालो सारे। पेट नेम है तो आपका पूरा नाम क्या है सर? बताता ना जी। तू सारा कुछ नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा, तू बाहर निकल, माना बाहर निकल, पूरा नाम कुछ नहीं बता कर ना। चुप चुप। लगता है चले गए। हाँ, चले गए। बाबू भाई, 10 करोड़।